हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो आज एक थोड़ा मेरा मन कर रहा है एक विचित्र सा टेस्ट किया जाए। तो मैंने एक 2 लीटर की 2 बोतल ले ली, उस पर आप एक पे देख सकते हैं, एक पे राजस्थान लिख रहा है और एक पे लिख रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों मतलब अलग अलग स्टेट के नाम क्यों लिख रहे हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। राजस्थान में जो डीजल की रेट है वो है महंगी, और जो हमारी उत्तर प्रदेश में डीजल की रेट है वो रहती है हमारी सस्ती। तो उत्तर प्रदेश से मिलता है सस्ता डीजल और राजस्थान से मिलता है कंपेरेटिवली महंगा डीजल। तो अब रेटों में अंतर आएगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी में भी अंतर आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज़ को चेक करने वाले हैं। हम दोनों बोतल में 172 रुपये का डीजल फिलअप कराएंगे। उसके बाद मैं पहले आपको दिखाऊंगा राजस्थान में क्या रेट चल रही है, फिर उससे पहले प्रैक्टिकली करते हैं, तो फिर देखेंगे कि वाकई में रेट के हिसाब से डिफरेंस आ भी रहा है डीजल में, या फिर पेट्रोल पंप वाले अपना स्कैम चला रहे हैं। तो अब चल के जल्दी से डीजल फिलअप कराते हैं। एक तो मैं राजस्थान से करा रहा हूँ और एक कराएंगे उत्तर प्रदेश जाके। तो राजस्थान में फ़िलहाल रेट चल रही है 94.33। तो अब डलाते हैं 172 रुपये का डीजल और फिर चलते हैं जल्दी से उत्तर प्रदेश, और वहाँ की रेट तो मेरे हिसाब से कुछ 85 इतने चल रही होगी, इतना तो अंतर आ ही जाता है। और फिर वहाँ से बढ़ा के भी देखेंगे 172 का, और फिर देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। तो मैंने बोतल निकाल ली है इस टाइम राजस्थान की, और इसमें अब हम 172 का डीजल भराएंगे, और एक बार रीडिंग भी दिखा दूंगा कि कितना लीटर आता है 172 डलाने के बाद। तो अब फिलअप करा लेते हैं इसको। तो अभी 172 की रीडिंग डला रहे हैं और ये भराते हैं इसमें राजस्थान वाली बोतल में। रेट आप देख लो इतनी चल रही है ये रेट, और ये इसमें डलना चालू हो गया डीजल। रेट इस टाइम 94 चल रही है, तो मतलब पेट्रोल की रेट ही आ गई और ये काफ़ी बढ़ गई है। तो 2 लीटर पेट्रोल डीजल है तो इतनी कुछ भर गई है, काफ़ी सही भर गई 172 की। तो अब इसको टाइट लगा देते हैं, मैं रीडिंग दिखा देता हूँ, कहीं कुछ लोग बोलें कि 172 और ये इतने का भरा है इसमें। आप देख सकते हैं 1.82 रेट ये चल रही है, कुछ इतना आया इसमें डीजल, तो मतलब काफ़ी सही भर गया। अब मेन तो ये देखने में रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जाके क्या सीन रहता है और वहाँ कितना आ जाता है। और यहाँ 1.82 लीटर आ चुका है 172 का, 1.82 लीटर। अब उत्तर प्रदेश में जाके देखेंगे वहाँ कितना आ जाता है, फिलहाल राजस्थान में ये इतना आया है। तो अभी हम यूपी के पेट्रोल पंप पे पहुँच गए हैं, और बोतल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाई थी कहीं नीचे गिर गई है। तो बोतल आप देख सकते हैं इस पर उत्तर प्रदेश लिख रहा है। अब इस पर डलवाते हैं 172 का डीजल और देखते हैं कितने का आता है, और यहाँ की रेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यूपी में आ गए हैं, आप रेट देख लो, यहाँ पर चल रही है 85 और राजस्थान में चल रही थी 94, तो देख लो कितने रुपये का अंतर आ जाता है। यहाँ है 85 पर लीटर। तो अब जल्दी से 172 का डीजल डलाते हैं बोतल में और देखेंगे राजस्थान से उत्तर प्रदेश में कितना डिफरेंस आ रहा है डीजल में। और ये भी फुल हो रही है एकदम। हाँ क्या कर रहा था, फोन पे किया क्या? फोन पे अभी कर दूंगा, डाल दो आप। बानू भैया जाऊं बे, 5-10 दिन में ना के लाइन चलती, मैं तो बराबर पानी पानी का तो करो, मैं चलती हूं ना, मैं रागर पे कर ले मेरे को काट, बंद कर बैठे रहो, बंद करे एक पहले जो चल काम कर रहे। कितना आ गया? ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हम डीजल डला के आ गए हैं, और आप देख सकते हैं राजस्थान से कुछ इतना डीजल आया है और वहीं उत्तर प्रदेश से इतना है सेम रेट में। अब फिलहाल पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो मैंने पेपर पे रेट लिख लिए है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 94.33 का डीजल चल रहा है, और हमारा उत्तर प्रदेश में 85.29। तो पहले दोनों की रेटों में डिफरेंस देख लेते हैं कि रेटों में कितना अंतर आ जाता है, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो रेट चल रही है वो है 94.33 माइनस 85.29। तो रेट में डिफरेंस देखे तो करीब 9 रुपये का अंतर आ जाता है। क्वांटिटी एक बार देख लेते हैं, रेट में तो हमने देख लिया, तो रेट में तो हमने देख लिया 9.04 का डिफरेंस आ रहा है। अब एक बार क्वांटिटी में और देख लेते हैं, जो हमारी राजस्थान से क्वांटिटी हमें मिली है वो मिली है 1.82 लीटर,
सेम रेट में 172 दोनों जगह भराया था और उत्तर प्रदेश से मिली है 2.02। तो एक बार इनका भी डिफरेंस देख लेते हैं, 2.02 माइनस 1.82। तो क्वांटिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.2 आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि 0.2 देखने में तो काफ़ी छोटा लग रहा है कि 0.2 का ही लीटर का डिफरेंस है। तो आप एक बार प्रैक्टिकली भी देख लो, आपको ये प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो अभी जो मैं यूपी से डीजल भरा के लाया था वो भरा के लाया था इस बोतल में। तो ये आप देख सकते हैं बोतल का कलर ग्रीन है, तो एज सच कुछ मतलब जस्टिफाई नहीं हो रहा था कि कितना डिफरेंस आ रहा है और क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ है हमारा राजस्थान का डीजल और एक तरफ है उत्तर प्रदेश का डीजल। तो मैंने ये करा कि इस बोतल से सीधा इसमें खला दिया है और फैला नहीं, बिल्कुल सावधानी से करा था मैंने। जैसा कि आप लोग राजस्थान का डीजल देख सकते हैं, इसमें कलर का भी कितना डिफरेंस आ रहा है। और वहीं मैं अगर इसको हिलाता हूँ तो इस पूरे डीजल में झाग बन रहे हैं जो कि आपको दिखेगा। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश के डीजल की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का डीजल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पानी मिलाकर दे रहे हैं। और मिलावट की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो हमको दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। राजस्थान का आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं, ये कितना प्योर है और ये कैसा है। वहीं अगर मैं इसको हिलाता हूं तो इसमें बिल्कुल भी झाग नहीं बनेंगे, आप देखना, मतलब बस छोटे हल्के फुल्के से बने और फिर अपने आप ही ख़त्म हो गए। तो ये तो कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में की जो बात कहते हैं कि वहाँ मिलावट का डीजल मिलता है, वो तो आज मुझे भी लग रहा है कि मिलावट का ही मिलता है। लोग सस्ते की वजह से वहाँ से डलवाते हैं, और मैंने ऐसा भी सुना है कि यूपी के डीजल से गाड़ी एवरेज नहीं निकालती। तो ये हमारा राजस्थान का डीजल है और ये है उत्तर प्रदेश का। अब जो रेट और क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है मैं उसका एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।